अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ और लाभदायक होगा। सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह में 16 अगस्त को प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि के साथ अन्य राशि को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। सूर्य देव के सिंह राशि में जाने से जहां सिंह राशि को विशेष लाभ प्राप्त होगा, तो वहीं अन्य राशियों को धन के साथ संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इस दौरान सूर्य देव राशि चक्र की बहुत सी राशियों को लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य देव के सिंह राशि में जाने को लेकर हमने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने सूर्य देव के सिंह राशि में गोचर को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। जैसे सूर्य का गोचर हर मास चेंज होता है और इस बार 16 तारीख को शाम को लगभग सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, तो जो कार्य क्षेत्र के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि सूर्य कार्य क्षेत्र का आत्मा का कारक भी है और सरकारी नौकरी, जो राजस्व की सरकारी नौकरी होती है, उसका भी कारक है। तो जो भी लोग सरकारी नौकरी, राजस्व की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है। वो सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और उससे त्रिकोण राशि मेष राशि होती है, धनु राशि होती है। तो मेष राशि, धनु राशि और सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि, इन तीनों राशि वालों को ये फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में भी फायदा होगा, आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, संतान सुख के योग बनेंगे, यानी कि गर्भधारण का यह योग इन तीनों राशि वालों के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे अच्छा चल रहा है। और जो वाहन सुख इनको चाहिए, वो वाहन सुख लेने का योग भी इनको चल रहा है। वृष राशि वालों के साथ भी यही समस्या है, वृष राशि वालों को भी वाहन सुख का योग बना हुआ है इस समय, तो वो भी वाहन सुख के लिए इस समय कर सकते हैं। और वृष राशि से चतुर्थ स्थान पर सूर्य है, तो संपत्ति सुख का योग भी बना हुआ है, तो संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई इनका प्रोजेक्ट, कोई ना कोई इनकी डील फाइनल हो सकती है। तो वृष राशि वालों के लिए संपत्ति सुख है, और मेष, धनु और सिंह राशि वालों के लिए तो सबसे अच्छा समय रहने वाला है ये अगस्त का। 16 अगस्त से लगभग 15 सितंबर तक का समय, एक महीने का रहेगा, वो इन लोगों के लिए अच्छा है।